अस्सलाम वालेकुम वीयर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टे टीवी और मैं हाज़िर हूं एक शॉर्ट वीडियो के साथ। ये बेसिकली सेक्टर सी वन का एवेन्यू वन है, जिसके राइट लेफ्ट कमर्शियल्स हैं और बैक साइड पे फिर लिविंग है, प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं। तो आज मैं आपको दो प्लॉट्स फॉर सेल हैं वो विज़िट करवाता हूँ, और एक तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस के ऊपर है और एक नॉर्मल प्राइस के ऊपर है, लेकिन लोकेशन बेहतर है। यहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न लेना है, बेसिकली सेंट्रल स्पाइन रोड है ये सामने, और ये राइट लेफ़्ट कमर्शियल का सर्विस रोड है, और ये आपको पता है हॉट लोकेशन है सामने, जिसमें सेट्रीट 16 है, रोड 5 है, रोड 6 है, सेट्रीट 14 है, सेट्रीट 15 और 17 का एरिया। तो ये देख सकते हैं कितना स्पेशियस रोड है, और एक्सेस भी आप देखेंगे कि जितने भी स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, इन सब की एक्सेस इस मेन जो सेंट्रल स्पाइन रोड है इसके ऊपर आती है। तो ये स्ट्रीट नंबर 15 है, इसके अंदर हम आपको प्लॉट दिखाएंगे और एक ही खाली प्लॉट आपको नज़र आएगा। यहाँ से आप स्ट्रीट नंबर 15 में एंटर होंगे, ये लेफ्ट साइड पे प्लॉट फॉर सेल। मैं आगे से ज़रा वापस आता हूँ, थोड़ा सा ये सेट्रेट का व्यू आपको दे दूँ। और ये सारी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी है, और एक ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और आगे ये डेड एंड है। तो काफ़ी स्पीडी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी जल्दी यहाँ पे हुई है। और ये देखें डेड एंड सेट्रेट के फ़ायदे, ग्रीनरी काफ़ी प्लांटेशन यहाँ पर की हुई है, ये देख सकते हैं पूरा व्यू। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ, सामने आपको ये फ्रंट ओपन मिलता है, और फ्रंट ओपन का फ़ायदा आप देख सकते हैं। ये देखें ग्रीनरी है, लोगों ने अपने छोटे छोटे पार्क बनाए हुए हैं, तो ये जो ओपन स्पेस होती है इनका काफ़ी फ़ायदा होता है अगर बंदा सही तरीके से इसको यूटिलाइज़ करे। और ये गाड़ी खड़ी है वाइट, इसके सामने प्लाट है, बेसिकली स्ट्रीट नंबर 15 है और सामने स्ट्रीट 17 स्ट्रीट है। और यहाँ से आप राइट टर्न करेंगे तो आप वापस जा सकते हैं, ये भी लेफ्ट साइड पे प्लॉट्स हैं, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, सामने भी आबादी है, तो प्रॉपर लिविंग है, रौनक वाला एरिया है। और इसकी जो प्राइस है 1,85,00,000, 185 पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड है, और डायरेक्ट आपकी मालिक के साथ फेयर डील होगी इंशाल्लाह, और किसी किस्म का कोई आपको मसला नहीं होगा। और ये रोड 6 है, एक प्लॉट अर्जेंट फॉर सेल यहाँ भी है, उसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है कि ये कमर्शियल और हाउसेस के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि कमर्शियल के बैक साइड पर ओपन स्पेस दी गई है। नॉर्मली ये होता है कि बिल्कुल जैसे ही रोड का फुटपाथ ख़त्म होता है तो साथ ही कमर्शियल शुरू होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी स्पेस है, तकरीबन 20-25 फीट से ज़्यादा मुझे स्पेस लगती है। तो इसकी वजह से जो दोनों घर और कमर्शियल के दरमियान जो स्पेस है वो काफ़ी वाइड हो जाती है, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो घर के ऊपर नहीं पड़ता। ये देखें 60 फीट का रोड है, और फिर घर का बाहर का एरिया तकरीबन 10-15 फीट वो बन जाता है, कमर्शियल की बैक 20-30 फुट बन जाती है, तो ये काफ़ी फासला है। तो बहरहाल मैं आपको प्लॉट दिखाऊंगा, बाकी लेना ना लेना वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ प्लॉट का। वैसे तो नॉर्मल यहाँ पे आपको प्लॉट कोई ना कोई समटाइम मिल जाता है, लेकिन ये एक यूनिक प्लॉट है, क्योंकि ये फ़िलहाल 3 साइड ओपन है, और अगर पीछे लैंड क्लियर भी हो जाती है जो कि बैक सेट्रीट की लैंड है, तो फिर भी ये आपका राइट लेफ्ट 2 साइड ओपन प्लॉट बनेगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये अर्जेंट फॉर सेल है, हो सकता है कि अगर कोई कुछ दिनों बाद कॉन्टेक्ट करे तो ये अवेलेबल ना हो। ये एग्जैक्ट मैं आपको प्लॉट की लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये प्लॉट है मेरे सामने, थोड़ा सा हाइटेड एरिया है और जगह भी ठीक लगती है मुझे, और ये सामने प्लॉट है बेसिकली, और बाकी इसके पीछे स्ट्रीट 16 के प्लॉट्स हैं, उसकी एक साइड क्लियर है लेकिन उसकी गली का एरिया और बाकी जो एरिया वो क्लियर अभी नहीं है। ये 2-3 कनाल पीछे जो जगह है ये पड़ी हुई है ऐसे ही, तो फ्यूचर में ये भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसके राइट लेफ्ट सारी अभी जगह क्लियर हो चुकी है।
तो ये बेसिकली प्लॉट है, और मैं थोड़ा बैक से आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा और आपको इसका व्यू मिल जाए। ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा मैं प्लॉट का आपको व्यू दे रहा हूँ। ये देखिए, ये सामने जो ईंटें पड़ी हुई ना इससे पहले, और इसके पीछे जगह क्लियर है काफ़ी, और इस तरह से ये सारा प्लॉट का व्यू, ये फ्रंट एरिया, और इस तरह से ये आप सारा एरिया देख सकते हैं, और काफ़ी बेहतर लोकेशन है। और जिस हिसाब से इसकी प्राइस है, 1,60,00,000 डिमांड है, ओपन फॉर्म है, और इसके राइट साइड पे भी जगह ओपन है, लेफ्ट साइड पे भी जगह ओपन है, क्योंकि ये न्यू क्रिएशन है, काफ़ी यहाँ पे स्पेस थी, तो उस स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए, और मेरी ये राइट साइड पे डिगिंग हुई है तकरीबन 4-5 फीट मैक्सिमम नीचे रॉक्स हैं, तो मुझे लगता है कि लैंड भी काफ़ी बेहतर है इस साइड पर, और काफ़ी यहाँ पर स्पेस थी, तो उस स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए इसका जो इसके प्लाट का जो साइज़ है उसको सेंटर में रख के, तो राइट लेफ्ट इसके ओपन स्पेस है जो कि फॉर एवर होगी। तो इस तरह का एक्स्ट्रा फीचर प्लाट आपको बहुत कम देखने को मिलता है। नॉर्मली एक साइड आपको ओपन मिल जाती है, जैसे सेमी कॉर्नर होते हैं, या एक साइड पे सर्विस लाइन होती है, दूसरी साइड आपको ओपन नहीं मिलती, तो इसकी दोनों साइड आपको ओपन मिलती हैं, और फिलहाल बैक से भी काफ़ी ओपन स्पेस है। जब तक पीछे प्रॉपर स्ट्रीट का एरिया क्लियर नहीं होता तो स्ट्रीट डेवलप नहीं होगी, और बैक से आप प्रॉपर एक लॉन बना सकते हैं, वेजिटेबल लगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, और बैक से प्रॉपर आपको धूप मिलेगी, क्योंकि बैक से भी ओपन है और राइट लेफ्ट भी ओपन है, तो एक लाइटिंग जो है आपके घर में नेचुरल वो आ सकती है। ये सारा सीवान का एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन, और यहाँ से आप मेन एवेन्यू पर आ सकते हैं, और राइट साइड पर सिविक सेंटर, हेड ऑफिस का एरिया उस साइड पर जा सकते हैं, और लेफ़्ट साइड पे मेन गेट और बहरिया से एग्जिट कर सकते हैं, सेक्टर सी एवेन्यू पर जा सकते हैं, सेक्टर ए मार्केट में जा सकते हैं, तो बहुत ही अप्रोचेबल लोकेशन है। तो ये दोनों प्लॉट फ़िलहाल अवेलेबल हैं, और अगर किसी को चीज़ समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो वो आप कॉन्टेक्ट करें या व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह हम आपको बाकी फ़र्दर जो डिटेल्स हैं वो बता देंगे, और जिसके नसीब में होगा, जिसकी किस्मत में होगा, उसको प्लॉट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।